चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एडिशन फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। जिसमें सबसे पहले जिसमें आएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों इतना सिंपल फॉर्मूला है जितना लिखा दिया मैंने उतना एक्चुअली में नहीं है। इसमें आपको कुछ रेंजेस या कुछ इंटरवल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या होना चाहिए बच्चों? एक्स होना चाहिए माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो ना, साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। यदि एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं है फिर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई के लिए क्या होगा रूल? कि y की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी पड़ेगी, तभी साइन इनवर्स y डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये भी साइन का इनवर्स है। ठीक है, अच्छा ये निकल के कैसे आ रही है ये आपको यदि ऐसे कि ऐसे याद करना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको निकालने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक हम देख लेते हैं। ठीक है, क्विकली देखिए, एक फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा ये 11th क्लास में। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी बच्चों, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये डेरिवेशन या ये इनवर्स इजीली याद रख सकते हो। कैसे कि देखिए, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक एंगल है ना, इस एंगल को मैंने मान लिया ए। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई इज ऑल्सो वन एंगल, इसको मान लिया मैंने बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, राइट में लिखता हूँ, दिस वैल्यू विल गिव यू एक्स इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है बच्चों, और दिस वैल्यू विल गिव यू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी। ठीक है जी, तो साइन ए क्या हो गया? एक्स हो गया। साइन बी क्या हो गया? वाई हो गया। एक चीज, अब साइन ए एक्स है तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, इस हिसाब से ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो कॉस ए क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट है। तो साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें आप यदि एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यूज रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल के आ जाएगी। ठीक है, बाद में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन, जो इधर साइन एंगल है राइट में जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का यूज़ करके आप ईजिली, ठीक है, ये कन्वर्जन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का याद रख सकते हो। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बच्चों क्या है, एक तो ये इंटरवल आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको मालूम है कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स में कोई भी वैल्यू, ठीक है, तभी डिफाइंड होती है जब ये साइन, दो चीज़ होती है, ये वैल्यू जो अंदर आ रही है साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। दूसरा, जो साइन इनवर्स ओवरऑल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आती है वो कंडीशन आती है एक्स एंड वाई, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ कि एक्स और वाई माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। प्लस दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन यदि मैच करती हैं तो ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, अब एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ये रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन कैसे निकल के आया? देखिए, अब ये साइन इनवर्स में एक वैल्यू दी हुई है, ये एंगल है। ठीक है, साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है? एक एंगल होता है, और आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से ये एंगल पाई बाई टू से छोटा और माइनस पाई बाई टू से बड़ा होना चाहिए। राइट, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी होनी चाहिए। तो आई कैन राइट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है जी, क्योंकि ये जो एंगल है ये पाई बाई टू से छोटा होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई शुड बी लेस देन पाई बाई टू। ठीक है, तो ये बन गया
साइन इनवर्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। मैं सिंपली साइन इनवर्स वाई को राइट में लेके चला गया और कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने दोनों का साइन निकाल लिया तो ये वैल्यू बन गई एक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली साइन ऑफ साइन इनवर्स आई, बेसिकली मैंने क्या किया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन ऑफ दिस वैल्यू ये किया। अब आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स क्या होता है, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है, वो इंटरवल में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, अब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ये क्या है, ये कोई एंगल है ना, थीटा एंगल है कोई, पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो आई कैन राइट दिस कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई। ठीक है, एक चीज़ अब आपको साइन इनवर्स वाई को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना आ चुका है, हम लोगों ने कन्वर्जन फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वाई माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यानी एक्स शुड बी लेस देन दिस स्क्वायर किया मैंने। अब मैंने अज्यूम किया है कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो और ये भी पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर और दिस वैल्यू विल गिव यू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वन, जो कि रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए, बट एग्ज़ाम में हो सकता है। अभी देखिए मैंने एक रूल लिखा है, ऐसे बच्चों और भी रूल्स हैं मैं आपको लिखाता हूँ अभी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक ना ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा याद रखने में तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल फंडामेंटल से चलना है, फंडामेंटली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो फंडामेंटल उन्होंने क्या सीखा था बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा यदि एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी और साइन इनवर्स एक्स पूरा एज अ होल एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई इन दोनों का सम जो है वो क्या आना चाहिए, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी, ये भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आ जाएगी। ठीक है, परंतु साइन इनवर्स ये जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है वो आ रही है माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है जी, ये देखिए, और राइट हैंड साइड क्या आएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x की सारी और y की सारी वैल्यूज को ना लेके सिर्फ वो वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी जिनके लिए राइट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर जाए, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में आनी चाहिए राइट हैंड साइड, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के लिए x और y की ये इक्वेशन वैलिड होगी। यदि मान लीजिए आपने साइन इनवर्स x में x को माइनस वन रख दिया, y को भी माइनस वन रख दिया, तो ये माइनस पाई बाई टू हो गया, ये भी माइनस पाई बाई टू हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस पाई आना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि साइन इनवर्स कभी भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रूल लगेगा। तो इसका मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन होगा क्या, नहीं, यदि माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन विच इज़ लेस देन वन है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन के लिए इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच यू कैन यूज टू यूज दिस इक्वेशन, राइट। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि आप ये कंडीशन याद रखो, बहुत अच्छी बात है यदि कंडीशन आपको याद है, तो ये दो कंडीशन आपको याद है बहुत अच्छी बात है, परंतु ये कंडीशन आपको बाई चांस याद नहीं भी रहती एग्जाम में तो बेसिक फंडामेंटल रूल याद रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आनी चाहिए। यदि एक्स और वाई की कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें साइन इनवर्स इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में नहीं आ रही है, राइट, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, आप कुछ भी लोगे बेसिकली क्या होगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, आप एक्स और वाई की कोई वैल्यू डालोगे तो इसकी वट एवर वैल्यू यदि वो माइनस वन से वन के बीच में निकल के आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में एग्जिस्ट करेगा। मगर प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं करेंगी यदि एक्स और वाई की वैल्यूज आप कुछ ऐसी लोगे जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज ना होके बेसिक रूल समझना कि यहाँ एक चीज़ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस होना चाहिए, दूसरा इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आना चाहिए और इनकी इंडिविजुअल रेंज भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आना चाहिए,
राइट, और इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। यदि इतना भी आप देख लोगे तो आपको इतनी सारी वैल्यूज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बच्चों एक पहली इक्वेशन थी, इसके साथ में और भी फॉर्मुलेस होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर सारे फॉर्मुलेस लिख के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि करके कि इन फॉर्मुलेस को आप कैसे याद रखोगे और क्या इंटरवल्स होता है। जो देखिए मैंने बोर्ड को क्लीन करके इसकी सेकेंड कंडीशन भी लिख दी आपके लिए। सेकेंड कंडीशन होती है कि एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, यानी कि x और y में से एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव हो सकती है, बाकी की दूसरी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए या फिर ये कंडीशन फॉलो हो जाए सेकेंड वाली, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होगी तो ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। तो आपको एक और अच्छी बताता हूँ कि CBSE के सिलेबस में जनरली आपको ऐसी वैल्यूज ही दी जाएंगी एक्स और वाई की कि जो इन कंडीशंस को मैच करेंगी, तो आपको उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप यदि ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। यदि फॉर्मूला भी याद नहीं हो पा रहा है तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लो, वो मस्ट याद है, मतलब उसको तो याद होना ही पड़ेगा, आप 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो उसको, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद होगा तो आप इसका कन्वर्जन कर लोगे और ये वैल्यूज का सेट आप याद रखो। यदि बाय चांस याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, आप थंब रूल जो समझाए थे मैंने वो याद रखना, ठीक है। इसी तरह से बच्चों एक और होता है साइन इनवर्स, यदि प्लस का है माइनस का भी होता है, इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे निकल के आया, इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया साइन ए माइनस बी का, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है बच्चों, सिंपल ही है, और कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो बेसिकली 12th में सिर्फ इनवर्स पढ़ा रहे हैं हमको, ठीक है। सिलेबस में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उस एक चैप्टर के अंदर आप देख रहे हो कि हमने लगभग सारे ही फॉर्मूले सारे ही कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ कर लिए, तो बहुत ही मतलब बढ़िया चैप्टर है ये, इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से बच्चे को पढ़ने में आ जाती है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये ड्राइव डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी कंडीशन होती है बच्चों, इसकी क्या कंडीशन होती है देखिए, इसकी कंडीशन होती है बच्चों, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी कंडीशंस। इसकी एक कंडीशन तो सेम ही होती है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए दोनों की वैल्यू, ये तो है ही यूनिवर्सल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड तब होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी, सिमिलरली साइन इनवर्स वाई। दूसरी कंडीशन भी सेम है कि एक्स स्क्वायर जो ऊपर प्लस में था वही कंडीशन यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। या तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए या फिर दूसरी कंडीशन होनी चाहिए इसमें कि एक्स वाई दोनों सेम साइन के होनी चाहिए, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, उस केस में बच्चों क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो सिमिलर टाइप की कंडीशन है, सिर्फ यहाँ अंतर है कि यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन है और यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, इतना सा फर्क है। बाकी इन दोनों फॉर्मूलेस को याद रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनकी यूज़ पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखिए इसके बाद हम देखते हैं सेम टाइप ऑफ रिलेशन बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, एक बार देख लेते हैं हम उसको भी। एक बार देखते हैं हम कि कॉस इनवर्स के लिए क्या रिलेशन होता है, देखिए कॉस इनवर्स, एक सेकेंड देखिए, तो एक बार देखते हैं कि कॉस इनवर्स के लिए क्या रिलेशन होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बच्चों कॉस इनवर्स क्या होता है इसमें एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये कैसे निकल के आया, ये निकल के आया कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी, ये फॉर्मूला आपको यदि याद है, ठीक है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो इसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसमें कंडीशन देखो एक्स कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई डिफाइन कब होंगे, जब एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में अप्लाई करेगी। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि एक्स एंड वाई शुड बी इन द रेंज ऑफ माइनस वन टू वन। दूसरी कंडीशन होती है इसकी बच्चों कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस केस में ये जो है वैलिड होगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि कॉस इनवर्स एक्स
या कॉस इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स दिस होल वैल्यू, इन तीनों की ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जीरो टू पाई, यानी ये वैल्यू जो है जीरो टू पाई के बीच में होनी चाहिए यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू भी जीरो टू पाई के बीच में होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंगल जीरो टू पाई के बीच में होना चाहिए बाय द वेरी फंडामेंटल रूट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ही अंदर हमें किसी भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो टू पाई के बीच में आना चाहिए, इसका मतलब ये होल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये और ये दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये रूल बन गया कि एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए और एक्स प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली बच्चों नेगेटिव एंगल का भी रूल है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसकी भी कंडीशन वही है, एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, साथ में एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए छोटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई है, यदि ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ना होके यदि ये होता कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता, यहाँ कंडीशन चेंज हो जाती कि वाई शुड बी लेस देन एक्स। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया, देखिए पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं, यदि एक्स छोटा है वाई से, यही तो कंडीशन है पहले वाले के लिए कि यदि एक्स छोटा है वाई से, तो हमें पता है कि कॉस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही एंगल बड़ा होगा, एक कॉस जीरो वन होता है कॉस एंटी जीरो होता है। ठीक है, तो यदि एक्स छोटा है तो कॉस इनवर्स एक्स बड़ा होगा एंगल में और कॉस इनवर्स वाई छोटा होगा, यानी कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता है क्योंकि ये एंगल क्या आने वाला है जीरो टू पाई के बीच में आने वाला है विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि एक्स शुड बी लेस देन वाई, तो आपको ये रूल जो है याद रखना पड़ेगा और साथ में ये याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अगेन बच्चों फॉर्मूला ही है कॉस इनवर्स एक्स कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, बेसिकली वो फॉर्मूला भी एक बार कोड कर देता हूँ, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना पड़ेगा, यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप ये वैल्यू याद रख सकते हो इजीली। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब देखते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से।